नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बॉटल नेक। जी हाँ, जो बेलापुर किला जो है वो कई महीनों पहले टूट चुका था, गिर चुका था। गिरने के बाद उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ उसके ऊपर कोई खबर नहीं। औपचारिकता के रूप में काम चल रहा है, लेकिन कितने महीने तक काम चलेगा, जनता है परेशान। आइए देखिए किस तरह से ट्रैफिक जाम होता है और किस तरह से जनता परेशान होती है। और ये हम पहुंच चुके हैं बेलापुर किले के पास। जी हाँ, जहाँ पे कि एक बॉटल नेक बना हुआ है और इस बॉटल नेक की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। जी हाँ, अभी तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, परंतु इस बॉटल नेक, जबकि आप जान चुके हैं कि किला कितने महीनों पहले टूट चुका है। जी हाँ, और ये ठीक NMMC के सामने बना है, यानी नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जबकि नए नए प्रोजेक्ट बनाने की नई मुंबई के नेता और नेतागण जो हैं पार्टियों के, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम ये चालू कर देंगे, वो चालू कर देंगे। अरे पहले उल्वे बेलापुर नवी मुंबई की जनता की तो सुनो भाई, जो लोग इस रोड पे चल रहे हैं उनकी व्यथा सुनो। कितना बड़ा बॉटल नेक है, अभी तक ये किला पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। जी हाँ, अभी तक इस किले का कुछ भी नहीं किया है। जी हाँ, हम कोशिश करेंगे। देखिए फिर से सिग्नल हो गया और कितना नैरो हो गया है। देखिए यहाँ पे कोई भी गाड़ी बड़ी ही आसानी से टकरा सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मगर ये जनता की सावधानी है कि जनता सावधानी से चलती है। जी हाँ, ये देखिए कितना बड़ा बॉटल नेक है और ये देखिए इस तरह से करके रखा हुआ है। ये देखिए गाड़ी ओवरटेक कर रही है और क्या करे। और ये देखिए आप, ये आपको दिखाने की कुछ कोशिश है, सामने ही महानगर पालिका का ऑफिस है और इस एरिया को मैं आपको चारों बाजू से दिखा रहा हूँ। जी हाँ, महीनों हो चुके हैं मगर अभी तक ये काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये हाल है और ये बॉटल नेक जो बना हुआ है, इस बॉटल नेक की वजह से ट्रैफिक जो है वो इतना जाम हो जाता है। जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस किला, ये जो किला है ये कितने ही दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक जनता के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ठीक NMMC के सामने है, ये आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी पब्लिक की लाइन लगी हुई है। आप देख रहे हैं बॉटल नेक, देखिए आप, ये बॉटल नेक कई महीनों से पड़ा हुआ है, इसका काम नहीं हो पा रहा है, इस किले का काम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये तकलीफ ये सब जनता को झेलनी पड़ रही है। इसका जवाबदार सरकार है, कौन सा प्रशासन है जो नवी मुंबई के पत्रकारों को लेकर बैठा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, तो इसे हमारी कमजोरी कहें, एक जनता की कमजोरी कहें या जनता की आवाज़ कहें,